हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। अ राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.4। ठीक है, आपकी बुक में ये फिगर अच्छे से दिया होगा। ठीक है, आपके बुक में प्रॉपरली दिया है फिगर, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखिए। ठीक है ना, अ राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन, मतलब एक राउंड टेबल है। ठीक है, मतलब सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल टेबल है। ठीक है, राउंड टेबल कह रहा है। ठीक है, उसका कवर के फिर क्या कह रहा है, कवर है सिक्स इक्वल डिजाइन, और उसके कवर में कितने इक्वल डिजाइन है, सिक्स इक्वल डिजाइन है। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ चलिए मैं रेडियस बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा हम लोग का, ठीक है स्टूडेंट, ये कितना कह रहा है, 28 सेंटीमीटर। ठीक, कितना बोल रहा है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.35। ठीक है, कितने, 0.35 पर सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो आपको मैं काट के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे पे 0.35। ठीक है, इसी को काट के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम लोग क्या फाइंड करने कह रहा है, इस डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है, टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है ना, वो बताना है। ठीक है, और क्या कह रहा है हम लोग को, पर कॉस्ट कितना है, पर सेंटीमीटर कितना है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 0.35। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका कितना कॉस्ट लगेगा बताना। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना होगा कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का एरिया, यहाँ से यहाँ का एरिया, यहाँ से यहाँ का एरिया, मतलब एरिया कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वल डिज़ाइन कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का निकालेंगे। ठीक है, किसी एक का निकालेंगे और छः है, छः डिज़ाइन है, तो छः से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टूडेंट इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ओ नाम दे देते हो। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ डिज़ाइन हम लोग कितना, देखिए, नंबर ऑफ डिज़ाइन हम लोग का 6 है। ठीक है, और टोटल एंगल कितना होता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री, यही होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग का इसको निकालने, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा। ठीक है, ये एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए, तो थीटा तो यहाँ पता नहीं है, तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे थीटा को, यहाँ से ये मिला देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, मिला देते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल जाए। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का मिला दिया हम लोग ने। ठीक है सर, हम लोग ने इसको इसलिए मिलाया ताकि हम लोग क्या निकाल सके, एरिया मतलब थीटा पता कर सके। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। ठीक है, तो एक मतलब ये वाला एंगल, एक एंगल, ये एंगल कितना का होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए एंगल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, कितना है एंगल ऑफ डिज़ाइन कैसे निकलेगा, तो 360, ठीक है, 360 डिग्री, और कितना डिज़ाइन है, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 6 6 6 36 और 0, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग को ये क्या होगा, ओ ए क्या है, रेडियस होगा। ठीक है, ओ ए रेडियस होगा। ठीक है, ये कितना आ गया, एंगल कितना आ गया हम लोग का, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग का ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा हम लोग का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब दो साइड क्या हो, इक्वल, और बीच में किसका कितना एंगल हो, 60 डिग्री का एंगल हो, तो हम लोग का क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ना, हम लोग देते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर मैं माइनस कर देंगे क्या, ये ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला पूरा सेक्टर में क्या माइनस कर देंगे, इस एरिया, ए जो इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सेक्टर, ये सेगमेंट निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं,
इसमें बनाएंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है मैथ, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, देखिए जब मैंने क्या बताया था, ये रेडियस है, ठीक है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल है, ठीक है। रेडियस कितना, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग का मान लीजिए क्या, साइड भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल का। तो जब दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, और बीच में एक एंगल कितना का है, 60 डिग्री का, तो हम लोग को कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 और इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए थीटा कितना, थीटा हम लोग का 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू, अब पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना दिया है, आर हम लोग का 28 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से सॉरी माइनस इसका वैल्यू हम लोग कितना पुट करने बोल रहे हैं, 1.7 दिया, ठीक है। रूट थ्री का वैल्यू है 1.74। अब इंटू देखिए साइड कितना, साइड हम लोग का 28 है, तो स्क्वायर इसलिए दो बार लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देखिए, ये जीरो का कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 1 6 6 6 36, ठीक है। फिर किस है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, ठीक है। ये दोनों भी कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्या बचा ऊपर में, चलिए देखते हैं। ये डिग्री था, ठीक है स्टूडेंट, डिग्री, ये डिग्री था, इसको कुछ मत मान लीजिएगा, 10 नहीं है, क्या है डिग्री। अब चलिए देखते हैं हम लोग का ऊपर कितना बचा हम लोग का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 44 इंटू 28 और डिवाइड में हम लोग का अपॉन में 3 माइनस, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। 28 है, 28 को चलिए यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है जी, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4 4 7 जा, ठीक है, 20 4 7 जा 28, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 196, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 333.2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए चलिए हम लोग इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 1 0.66 माइनस 333.2। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक डिज़ाइन का एरिया कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कितना डिज़ाइन का एरिया जानना है, हम लोग को जानना है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0.46, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को क्या निकलना है, कोस्ट पूछ रहा था ना, एक कोस्ट का मतलब ए पर, मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको पर कोस्ट कितना हो रहा है, ठीक है ना, कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो रहा था, कितना रुपये पड़ रहा था, 0.35, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना कोस्ट लग रहा था, इतना लग रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग का लिख देंगे कोस्ट ऑफ 464.76, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसमें कितना रुपये लगेगा, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा रुपये 16.26, ठीक है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।